लंबे स्वर में परमपिता परमेश्वर का जो मुख्य नाम है ओम, आइए अपनी वाणी को पवित्र करें, सहज हो जाए, सब जगह से मन को हटाएं, बिल्कुल भी टेंशन में डिप्रेशन में ना बैठे, तलाव में ना बैठे। एक सेकंड मुस्कुराने से सेल्फी इतनी अच्छी आती क्यों जी? तो फिर मुस्कान बढ़ाए रखना क्या है, ये और कोई नहीं कर सकता। ये काम आप जितनी देर प्रसन्न रहेंगे रक्त में भी वही चीजें बहेंगी, आप नेगेटिव हैं तो खून में वही चीज दौरा करेगी, पॉजिटिव है तो वही चीज दौरा करेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप घाटे का सौदा करते हैं या नफे का करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच, गलतियां किसी से भी हो जाए, गलती को दोहराइए मत, गलती दोहराई तो बदमाशी, फिर गलती नहीं है, सुधार करना है। इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए नेगेटिव ना सोच करके पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। तो बुजुर्ग लोग कहते आए हैं, कर भला तो हो भला और अंत भले, अंत भले का भला। छोटी छोटी बात है, यदि हम सूत्र रूप में उनको जीवन में उतार लेते हैं तो आनंदित होते हैं और जीवन बहुत सरल व्यतीत होता है। लंबे स्वर में ओम का गायन करें, लंबे स्वर में। और लंबे स्वर में बोलिए, मस्त होकर के बोलिए। स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हे दया में हम सबको शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई। बोलो, खाने को मक्खन मिश्री और मलाई दीजिए, गर्मी में पंखे कूलर सर्दी में रजाई दीजिए। एक बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल देहात के शब्द है, ध्यान देना। ढूंढू ढूंढू क्या करे
देहाती शब्द है। अरे ढूंढू ढूंढू क्या करे दर दर मारे मूंड, अगर ढूंढना चाहता है तो इसी ढूंढ में ढूंढ। चक्कर से दुनिया ठगे, मक्कर से दुनिया ठगे, शक्कर पूरी खाए, लक्कड़ बाड़े जगत के पकड़ संत कहा है। तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार, धन से ही संसार में नर कर ले पर उपकार। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो मैं दिल पे रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया।
हाथ उठाकर बताओ। ये गजल का अंतिम शेर है। उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज ब्रह्मानंद सरस्वती, इनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त हो रहा है। आप सब करतल ध्वनि से जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें पूज्य स्वामी जी। सौम्यता दिव्यता की प्रतिमूर्त आचार्य बलदेव जी, क्यों जी बलवीर जी कुछ कम दिख रहे, बलवीर जी को इतनी शुभकामनाएं दो कि बल से भर जाए। ईमानदारी बताए बोलो, और जिनकी ऊर्जा आज प्राप्त हो रही है प्रातः में प्राप्त हुई, डॉक्टर आचार्य प्रमोद जी ताली बजाओ जोरदार, ऐसे छोटे काम से बहुत सुंदर भजन आपने सुना। भाई विनोद दली जी और धर्मेंद्र पेचन का तो आप कमाल देख ही रहे हैं। धर्मेंद्र एक ताली दिखा जोरदार।
बजाओ। सम्माननीय सारे समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोष के अध्यक्ष, मेरे सम्मुख सम्मान्य भाई श्याम सुंदर जी, सम्मान्य भाई देवेंद्र जी, ज्ञान प्रकाश जी, अन्य सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबके लिए होलसेल में ताली बजाओ। पूजनिया अर्चनिया मातृशक्ति, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, मैंने कल भी निवेदन किया था कि आर्य समाज के मंच से भजन होते हैं, गीत नहीं होते, और आपने ये जो भजन सुना है ये कायाकल्प हुआ एक व्यक्ति का जो घोर पौराणिक, रोज आर्य समाज में आता, वर्षों से आर्य समाज में आते थे लेकिन करते थे मूर्ति पूजा, बस एक दिन बात समझ में आ गई कि ये बात सही है और ये गलत है। मास्टर मिथ्या सिंह ने यह भजन लिखा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया। और फिर उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। जब उनकी मृत्यु हुई तो एक रुपए में कितने आने होते थे पता है? पैसा चलता था एक पैसा, तो रुपए में कितने आने होते थे आप बता देंगे? 64 बता रहे हैं। तो उन्होंने अंतिम जो उन्होंने भजन लिखा, आचार्य जी प्रबोध जी, पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, क्या लिखा? पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य एक पाप और 15 कमाते हो, तुम ही बताओ फिर दान क्या करे, तुम ही बताओ फिर दान क्या करे। तो लोग बड़े गीता के पाठ करते थे, तो वो कहते हैं गीता ज्ञान सिखलाती है, अच्छे बुरे को रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम्हारा क्या करें, राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो, राह से तो खुद गुमराह हुए जाते हो, और गीता ज्ञान फिर झूठ बतलाते हो, तुम ही बताओ फिर गीता ज्ञान क्या है। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, पुण्य एक पाप और 15 कमाते हो। बहनों भाइयों, आज इस भौतिक चकाचौंध में, इस भागदौड़ की दुनिया में यदि आप समय निकाल लेते हैं तो आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। वक्त है, टाइम नहीं है व्यक्ति के पास, इसलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली। और बहनों और भाइयों, कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी, क्या लिखी? ये लिखे प्रकार पैसा इकट्ठा करो, सुख का साधन पैसा है, लेकिन आपको बता दूं भौतिक साधन तो आप ला सकते हैं पैसे से, बाकी पैसे से सुख का कोई लेना देना